अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम क्या बनाएंगे जी? आज हम जैकेट पोटैटोज बनाएंगे फ़िश के साथ स्टफ करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, ये चीज़ तो करके ऑब्वियसली मुझे यहाँ आना पड़ता है बिकॉज़ इट टेक्स 1 आवर इतने बड़े जो आलू होते हैं उनको बेक करने में। तो मैंने सिर्फ ऑलिव ऑयल, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्चें डाल के इसको मैंने रोस्ट कर दिया अवन में 1 घंटा। फिर इसको आप इस तरह खोल दीजिएगा और आप इसको स्कूप आउट कर दीजिएगा जितना हो सके। पूरा नीचे तक नहीं करिएगा बिकॉज वी वांट के अंदर जगह हो इसको स्टफ करने के लिए, लेकिन पूरा आप नहीं तोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा हम करेंगे ऐसे। मैंने ये करके रखा भी हुआ है यहाँ, ये थोड़ा सा। पूरा निकाल के हम आलू को यूज़ करेंगे। मैं ये करके रख दूंगी, देखें जैसे मैंने ये दूसरे भी करके रखे हैं, खाली करना है आपने। इसमें हम मछली पका के भरेंगे, चीज़ डालेंगे और फिर इसको हम ग्रिल करेंगे अवन में। ठीक है, ट्राई करिएगा। चिकन भी कर सकते हैं, मछली कर सकते हैं, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट। कोई बचा हुआ सालन हो वो भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले दूध लीजिएगा, उसमें आप तेज़पत्ता शामिल करिएगा, बे लीफ। ठीक है, बे लीफ चला गया और मछली है, मछली आपने रख दी, लहसुन है, जवे लीजिएगा साबुत या ऐसे क्रश कर दीजिएगा, और नमक और काली मिर्चें। ये नमक, ये काली मिर्च, और आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने ये पहले चीज़ कर ली ताकि ये हो जाए तब तक। फिर हम फिश को फ्लेक कर देंगे, मैशअप कर देंगे। आलू जो हम स्कूप आउट कर चुके हैं ये जैकेट पोटैटोज में से, जो रोस्ट हमने किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम थिक सा करके फिर इसको हम आलू में भरेंगे और फिर हम उसके ऊपर चीज़ डाल के अवन में रख देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया? वेरी वेरी सिंपल। पहले हम बना रहे हैं आज चॉकलेट बनाना ब्रेड। तो मेरे पास यहाँ 4 केले हैं, आपने उसको पील करके चॉप अप कर दीजिए या मैश कर दीजिए। अंडे हम डालेंगे 2 अदद इसमें। मक्खन है, आप मेल्टेड भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको मेल्ट कर देती हूँ। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वेनिला एसेंस और नमक है, मैदा है, ब्राउन शुगर है, चॉकलेट चिप्स हैं। तो इसमें चॉकलेट चिप्स भी हैं, कोको पाउडर भी है, इससे बहुत ही मज़े का चॉकलेटी सा हो जाएगा, रेडी इन नो टाइम। अब हम पहले तो ग्रीस कर दें अपने टिन को और पेपर को। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। पेपर रख दीजिए, बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए इस तरह, और ऐसे आप ब्रश कर दीजिए पेपर को। कुछ लोग साइड से भी लगाते हैं, मैं नहीं लगाती हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए, आपने सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। लेट्स मेल्ट द बटर। अवन हमेशा होना चाहिए ऑन, प्रीहीटेड। ठीक है, प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है अवन को जब भी आप कुछ भी बेकिंग करें। चलिए, मक्खन भी पिघल चुका है, सब कुछ हमें मिक्स कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपने मक्खन डाला, थोड़ा सा सॉफ्ट किया हुआ, फिर उसमें मैं ब्राउन शुगर डालूंगी और उसको हम मिक्स करेंगे। सारे अज्जा क्वांटिटीज़ के साथ आपको बताऊंगी। दो अदद अंडे हैं, एक के बाद एक आप अंडे डालेंगे, एक मिक्स हो जाए फिर दूसरा डालिएगा। अच्छा, अब यहाँ है मैदा, तो इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक जाएगा बहुत थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून जितना। ठीक है, और ड्राई अज्जा के साथ, ड्राई अज्जा जाते हैं हमेशा, तो कोको पाउडर जाएगा,
ये सब कुछ हो गया, नमक भी यहाँ रख देते हैं। केले हैं, केले के केक में या केले के मफिन्स, कपकेक्स जब भी बनाएं, थोड़ा सा केला साबुत आए मुंह में, टेक्सचर आए तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा भी मैशअप नहीं कर दीजिएगा, इसलिए मैं स्लाइसेस वगैरह नहीं करती हूँ, ऐसे ही अंदर मैशअप करके डाल देती हूँ। और ओवर बीट कभी भी नहीं करते हैं, केले के केक बनाएं, मफिन्स हों, कपकेक्स हों, जो भी हों, ठीक है। मफिन का तो स्पेशली कभी भी नहीं करते हैं। बनाना एसेंस भी डाल सकते हैं, मैंने वेनिला एसेंस डाला है, वेनिला एसेंस सबके घर में होता है। एसेंसेस भी हर किस्म की, हर चीज़ आजकल मिल रही है मार्केट में, अगर आप जाएं सदर तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। को भी थोड़ी मिक्स कर देते हैं, ऐसे टर्न कर दीजिए, एक साइड से तो ये हो भी गया है। इसी को हम थिक पका के आलू डाल देंगे ना, तो ये थिकन हो जाएगा। इसमें हमने वाइट सॉस जैसे बनाते हैं, वैसे वाइट सॉस के लिए हमने कोई मैदा शैदा कुछ नहीं किया है। मछली हम कर देंगे इसको, सिर्फ तेज़पत्ता निकाल देंगे। तो यहाँ दूध पक रहा है, और ये नहीं कहिएगा प्लीज़ मुझे कि दूध के साथ मछली नहीं पकाते हैं, खाते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता है, दही भी खाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ काला पापलेट खाते हैं, तब दूध नहीं पीते हैं। ठीक है जी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, विल टेक अ ब्रेक, कम बैक, फिर हम दूसरी नेक्स्ट स्टेप करेंगे इस रेसिपी का, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देखिए मैंने यहाँ पिघला हुआ मक्खन डाला, ब्राउन शुगर, दो अदद अंडे, वेनिला एसेंस। अब ये 3 से 4 केले डालने हैं आपने, और यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और मैदा मिक्स करके रखा था, ठीक है। और चॉकलेट चिप्स हैं, चॉकलेट चिप्स जब भी डालते हैं हमेशा मैदे के साथ थोड़े से मिक्स करके डालते हैं, ये इस तरह, वरना चॉकलेट चिप्स नीचे सिंक हो जाते हैं। कोई फ्रूट हो, चॉकलेट चिप्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ आप डालें तो मैदे के साथ मिक्स होगी तो वो नीचे जाके बैठ नहीं जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, अंडरस्टूड, ठीक है जी। चलिए अब एक दफ़ा घुमा देते हैं बीटर, मगर ज़्यादा नहीं। और फिर ये सारे ड्राई अदरक डाल के आपने इसको मिक्स करना है और ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। अच्छा जी, आज हमारे पास है हैंडी मीट मिनसर एनेक्स की तरफ से, अगर आपको जीतना है तो आपने मुझे बताना है केले के रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मिक्स एवरीथिंग, चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए, ठीक है। और पहले हम ज़रा इससे मिक्स करते हैं, वरना ये हर जगह उड़ेगा। चॉकलेट बनाना ब्रेड है ये, इसको आप प्लेन खा सकते हैं, इसके ऊपर आप क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप गनाश लगा सकते हैं, इसको आप किसी भी छोटे कपकेक के, मफिन के केस में कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। मैं तो लोफ टिन में कर रही हूँ, स्लाइस करके आप खा सकते हैं। चलिए केले के बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, आप जीत सकते हैं एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट। जी हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी फरमाइए। कैसी है जरनक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। आपका पहली बात है, ड्रेस का कलर बहुत प्यारा है, आप पे बहुत सूट कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपका शो जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, नीट क्लीन, नीटनेस बहुत ज्यादा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज देखिएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत मिक्स हो गया, चलो जी इसको एक दफ़ा नीचे से देख लीजिएगा, हमेशा मैदा नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ निकालना है,
जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनक जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। थैंक यू। देखता हूँ और ट्राई भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी। बनाना केक भी बनता है। जी। बनाना कप केक, बनाना बिस्कुट, बनाना का जूस भी बहुत अच्छा बनता है, बच्चों के लिए फायदेमंद है। ठीक है। बनाना टी टाइम बनता है। ओके, थैंक यू जी, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। ये आपने इसमें भर दिया, टैप किया काउंटर पे, अवन में रख दिया। ठीक है जी, ये हो गया, डन एंड डस्टेड। अब इसको हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। ये देखें, ये जो मैंने मछली को नमक, काली मिर्चें, मछली और तेज़ पत्ता, ठीक है, ये सब कुछ आपने ड्रेन कर देना है इसमें छन्नी में। ठीक है, ये हो गया। अब जो मछली है उसको मैं निकालती हूँ यहाँ। फ्लेक कर दीजिए, मैशअप कर दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तेज पत्ता तो हम फेंक देंगे। ठीक है, अब हम इसी दूध में ये मछली वापस डालेंगे, क्योंकि हमने ये जो आलू हैं उसमें जो जगह की हुई है उसमें करना है ना हमने मिक्स। तो आलू यहाँ है मेरे पास, मछली यहाँ है, कोई सी भी मछली ले लें, कांटे चमड़े के साथ ले लें, फिर उसको फ्लेक कर दीजिएगा और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर दीजिए। अब मैं इसको पकाऊंगी दोबारा। सो आई पुट दिस इन अनदर सॉस पैन, उसमें मुझे नहीं करना है, ठीक है। और ये पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे पहले दूध, जिसमें पूरा फ्लेवर है मछली का। और ये जो है हमारे पास यहाँ आलू और मछली, वो हम इसमें डालेंगे। कोई सी भी चीज़ आप जैकेट पोटैटो में स्टफ़ कर सकते हैं। सो आलू और मछली, बहुत ज़्यादा दूध, पूरा दूध नहीं डाल दीजिएगा, आधा दूध डालिएगा पहले, अच्छी तरह इसको मिक्सअप कर दीजिएगा, मैशअप कर दीजिएगा आलू के साथ। आजकल आलू बहुत ख़राब आ रहे हैं, अंदर से गल नहीं रहे, हाँ, तो बीज भी केयरफुल गले हुए होने चाहिए अच्छे से। जैकेट पोटैटोज एक घंटे में हो जाते हैं अवन में। एक पीस हमारा जो है ना ये बहुत ज़्यादा सख्त रह गया है, ये अच्छा। इसमें आप अंदर भी चीज़ डाल सकते हैं, देखें ये गाढ़ा होना चाहिए, सारा दूध डाल देंगे तो बहुत पतला रहेगा। इसको ज़रा एक उबाल आने दीजिए, इसमें थोड़ा सा पार्सली आप अंदर शामिल कीजिए, ठीक है। फिर थोड़ी सी काली मिर्चें और जाएंगी, नमक तो हम डाल चुके हैं, थोड़ा सा मैं चीज़ इसमें डालना चाह रही हूँ, थोड़ा सा चीज़ डालिए अंदर, बकिया जो चीज़ है चेडर चीज़ है ग्रेट किया हुआ ऊपर से जाएगा। और अगर मुझे लगेगा कि मिक्सचर ड्राई है तो फिर मैं और इसमें दूध शामिल कर सकती हूँ। दिस इज़ परफेक्ट। दूध पूरा नहीं डालिएगा, ठीक है, दूध में आप उबाल आने दीजिएगा मछली को, और फिर आप तेज़पत्ता निकाल दीजिएगा, मछली निकाल दीजिएगा, मछली को मैशअप कर दीजिएगा। आप झींगे डाल सकते हैं, मछली डाल सकते हैं, कोई भी बचा हुआ सालन भर सकते हैं इसमें, एनी थिंग यू लाइक। चीज़ और पार्सली ज़रूर डालिएगा। वही आलू हैं जो मैंने बेक किए थे उसमें से जो निकाले थे ना, इसमें से जो निकाले थे वो हैं जी। हेलो, ब्रेक है, अच्छा चलो, विल टेक अ ब्रेक। आपने ब्रेक में अगर जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से 888 पे आप बहुत सारे मैसेजेस कर देंगे, हमें SMS करिएगा अपने फ़ोन से और बताइए केलों से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक। देखें यहाँ मैंने जो आलू बेक किए थे, एक घंटा ठंडा किया, बीच में से काटा, स्कूप आउट कर दिया, उसी आलू को हमने ये दूध में और चीज़ के साथ और मछली के साथ पकाया, ठीक है। अब इसमें आपने इसको भरना है, ठीक है। कुछ लोग इसमें अंडे की जर्दी भी डालते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भरते जाइए, डीप काटिएगा, लेकिन इतना भी डीप नहीं काटिएगा कि आलू टूट जाए, हाँ, बिकॉज हमें आलू को तोड़ना नहीं है। जैसे मैंने कहा, कुछ भी आप अंदर स्टफ कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर चीज़ जाएगा, गरम है, जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं उसी में आप रख सकते हैं। आई होप ये इसमें फिट आ जाएं सारे। चूंकि इस ओवन में हमारा वो बन रहा है चॉकलेट बनाना केक, तो मैंने दूसरे ओवन को ऑन कर दिया था, वहाँ हम बेक कर लेंगे। आएंगे नहीं इसमें, विल नीड अनदर, एक रह जाएगा बेचारा, क्या करें, एक को बाद में करेंगे फिर। क्या करूं इसका मैं, जबरदस्ती से इस तरह रख दिया मैंने। जी हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, कौन बोल रही हैं? नूर फातिमा बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। क्या जी? नूर फातिमा बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। अच्छा जी, छोटी सी बच्ची, कितने साल की हैं आप? 13 साल की। 13 साल की हैं, अच्छा अच्छा जी। मामा आपकी रेसिपी बनाती है, केक बनाती है, बड़ा अच्छा बनता है। क्या समझ नहीं आया, क्या रेसिपी आपकी बनाती है, केक बनाती है, मेरी मामा आपका बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड जी। और आपकी सवाल के जवाब दूंगी क्या? जी जी जवाब दीजिए। बनाना केक, बनाना कपकेक, बनाना टी टाइम, बनाना की खिचड़ी भी बनती है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, थैंक यू। चीज काफी सारा भले पिघले और साइड में गिरे, बट पूरा इसके ऊपर भरें इस तरह, ठीक है। मैंने सिर्फ चेडर लिया है, मोज़रेला नहीं। स्किन्स भी आप खा सकते हैं, आलू की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसी में है, न्यूट्रिएंट्स हम सारी ज़ाया कर देते हैं छिलके निकाल के। येट ऑन द अदर हैंड लोग कहते हैं छिलके नहीं खाने चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अल्लाह जाने क्या क्या ऊपर डलता है, बट चले ये हो गया, उप्स। अच्छा अब मैं इसको रखूंगी दूसरे ओवन में, तो मैं कब करूं वो जाऊं, आई गो इन पुट दिस ना, क्या जाऊं कि नहीं जाऊं? ओके शर्जील का काम है, ये कर लेंगे आके। ओके नाउ मैं रिकैप कर दूं तब तक। सो चॉकलेट बनाना ब्रेड, 4 केले लिए थे मैंने, मैशअप कर दीजिएगा, 2 अदद अंडे थे, 6 टेबलस्पून्स मक्खन था, लेकिन आज हमने फीका अनसॉल्टेड मक्खन नहीं यूज़ किया है, सॉल्टेड मक्खन यूज़ किया है, ठीक है। 1/2 कप ब्राउन शुगर थी, 1/2 कप कोको पाउडर था, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था, और बेकिंग सोडा था, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून नमक था, 1.5 कप मैदा था, और 1 कप चॉकलेट चिप्स थे। अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पिघला हुआ जो मक्खन था उसको लिया, उसमें ब्राउन शुगर डाली, 2 अदद अंडे डाले, अच्छी तरह मिक्स किया, बनाना जो केले थे वो रख दिए, वो हमने डाल दिए, ठीक है। फिर मैदे को, थोड़े से मैदे को मिक्स करके चॉकलेट चिप्स के साथ डाल रख दिया, और दूसरे मैदे में हमने कोको पाउडर बेकिंग सोडा नमक सब मिक्स करके रखा। सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिएगा, दूध पानी कुछ नहीं डालिएगा, थोड़ा बैटर गाढ़ा होगा, ठीक है। और आप उसको एक लोफ टिन के साइज़ में के शेप के टिन में मैंने रख दिया है, नीचे पेपर लगाया था, उसको हमने फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल से ग्रीस किया था। एक कॉलर है जी, फिर हम रिकैप करते हैं। फिश स्टफ जैकेट पोटैटोज, हेलो हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक मैम, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अच्छा जी, खुशामदीद हमारे शो में। जी जी,
आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, मैं आपका शो बहुत ही शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी बहुत ही ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू जी। मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी। बनाना शेक, बनाना समोदी, बनाना ब्रेड, बनाना केक, बनाना कुकी। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ओके एंड देन वील कम एंड रिकैप दिस फिश स्टफ जैकेट पोटेटोज। इसमें आप कोई भी और चीज़ भर सकते हैं, चिकन वाइट सॉस हो आपके पास, कॉर्न हो आपके पास, शिमला मिर्च हो, या आपके पास कीमा हो, घर का जो भी खाना जो भी बचा हुआ हो, मैकरोनी एंड चीज़ भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैकेट पोटेटोज़ का बहुत सारे बच्चों को बहुत शौक होता है, सो ट्राई इट आउट। ठीक है जी, चलिए हम क्या करेंगे, लेमन के स्लाइसेस के साथ, पार्सली के साथ, फिर इसको सजा के पेश करेंगे प्लेटर में से निकाल के। सो वील डू दैट। और हमारा केक यहाँ बेक हो रहा है, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए केलों से बनने वाले रेसिपीज के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग फूड डायरीज ऑन मसाला TV। और मैं फिश स्टफ जैकेट पोटेटोज का रिकैप करने जा रही थी, तो ब्रेक हो गई थी, आई जस्ट डिड द रिकैप ऑफ द बनाना ब्रेड। सो अब हम क्या, मैंने क्या किया था, एक घंटा मैंने बड़े वाले जो बेकिंग पोटेटोज होते हैं, बड़े वाले आलू, उनको ऑलिव ऑयल लगा के, नमक काली मिर्च लगा के, फॉइल में रैप करके अवन में रख दिया था। एक घंटा लगा था मेरे अवन में, ठीक है। और छुरी पोक करके देख लीजिएगा, जब हो जाए साफ छुरी निकले तो वो बेक पोटेटोज रेडी हैं। निकाल के ठंडा थोड़ा सा करिएगा, बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। फिर बीच में से काटिएगा और स्प्लिट ओपन कर दीजिएगा, और अंदर से चम्मच से और छुरी से आराम से केयरफुली पूरे तोड़ नहीं दीजिएगा, नीचे तक आलू स्कूप आउट कर दीजिएगा, ठीक है, एक तरफ रख लीजिएगा। 2 से 3 मछली के स्लाइसेस लीजिएगा, 2 कप दूध लीजिएगा, उसको गर्म कीजिएगा, उसमें तेज़पत्ता, नमक, काली मिर्चें, लहसुन डाल के उबाल आने दीजिएगा। फिर आप उसको छान लीजिएगा, तेज़पत्ता फेंक दीजिएगा और मछली को मैश कर दीजिएगा, फ्लेक कर दीजिएगा कांटे से, उसी आलू में डाल दीजिएगा, आधा दूध डालिएगा, चीज़ डालिएगा, पार्सली डालिएगा और उसको आप पका लीजिएगा। चीज़ पिघल जाएगा, आलू और मछली और दूध सब कुछ मिक्स हो जाएगा, गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं, ठीक है। और फिर आपने उसको उसी आलू में वापस भरना है, उसके ऊपर आप डाल दीजिए और मज़ीद चीज़, और अवन में रख दीजिए, ऊपर से वो ब्राउन हो जाएंगे, चीज़ पिघल जाएगा। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, किसी सैलड के साथ सर्व करिएगा इसको, आप थोड़ा सा ठंडा करके भी खा सकते हैं एज अ सैलड, चॉप अप करके। जी एक कॉलर है जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप ही? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप ही प्लीज मुझे एप्रिकॉट जैम तो बनाना सिखा दें। एप्रिकॉट जैम? जी। अच्छा ओके ठीक है, जैम्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको ख्याल रखना पड़ता है। फ्रूट सारी साफ की हुई हो, ठीक है, कोई भी फ्रूट गली हुई खराब नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, जैम जैम की जो बॉटल्स हैं वो स्टेरिलाइज्ड हो, मतलब स्टेरिलाइज का मतलब होता है आपने बड़ा सा पतीला लिया, बहुत सारा पानी डाला, कांच की जैम की बॉटल्स अंदर डाल दीजिएगा, और लिड्स अगर प्लास्टिक के हों तो वो नहीं डालिएगा, लेकिन स्टील वाले जो हों दूसरे तो वो डाल दीजिएगा। उबाल आ जाए तो फिर आप उसको बंद कर दीजिएगा, और फिर आप उसको निकाल के केयरफुली, बिकॉज बहुत गर्म होगा, अवन ऑन करिएगा, अवन में रख दीजिएगा सूखने के लिए। प्लीज़ उसमें कपड़ा नहीं लगाइएगा, लोग मैंने देखा है वो लोग उसको साफ कर देते हैं, फिर वो पूरा खराब हो जाता है। मालूमात देने के लिए, और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। अच्छा जी बोले। बनाना पुडिंग, बनाना ब्रेड, बनाना स्मूदी, बनाना केक। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा जैम बनाने, एक और चीज़ याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल मैंगो जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, जो भी सीजन में फ्रूट होती है लोग उसको जैम बनाना चाहते हैं, तो जितनी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर आप बना रहे हैं चेरी जैम, आजकल चेरीज हैं सीजन में, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आपने 1 किलो चेरीज लिए, बीज निकाल दीजिएगा, डंडियाँ निकाल दीजिएगा, साफ करिएगा, धोइएगा, थोड़ा ज़रा कपड़े पे रखिएगा कि एक्सेस पानी निकल जाए। फिर 1/2 किलो चीनी लीजिएगा, 1 नींबू का रस डालिएगा उसमें, ठीक है, और उसको छोड़ दीजिएगा एक बड़े कांच के डिश में, फ्रिज में। दूसरे दिन उसको पका लीजिएगा जब तक चेरीज आपके नरम ना हो जाएं, सॉफ्ट ना हो जाएं। और आप उसको अगर टेम्परेचर कंट्रोल करके देखना चाहते हैं, यू वांट टू मेक श्योर के जो आपने
जैम पकाई है वो थिक इनफ है, कहीं बहुत पतली नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बहुत दफ़ा जैम हम लोग बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, पका पका के क्या हो जाता है फिर वो एकदम सख्त हो जाती है, चीनी ऑब्वियसली जैसे ठंडी होगी चीनी भी जमेगी, जैम भी जमेगी, तो फिर क्या होगा कि एकदम सख्त हो जाती है। 100 डिग्रीज पे हम बस 100 डिग्रीज हो जाए थर्मामीटर पे निकाल, 100-110 डिग्रीज बस, दैट्स इट। जी एक कॉलर है, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू, फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सही लग रही हैं, बहुत अच्छी नेचर है आपकी, आपका बोलने का स्टाइल इतने प्यार से समझाती हैं और पूरी डिटेल में समझाती हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी कुकिंग भी करती हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ आपकी कुकिंग को। थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी जी, बनाना ब्रेड है और बनाना से जो गेस्ट में भी बनाना होता है उसके लिए आपने बनाना की क्या कहते हैं? क्या आपकी आवाज नहीं क्लियर नहीं है, आवाज इज नॉट क्लियर जी, क्या कह रही हैं दोबारा कहिए प्लीज। बनाना ब्रेड और केक। ओके जवाब दे रही हैं, ओके ठीक है, अब केक का बनाना ब्रेड मेरी अपनी अपनी। ओके ठीक है, नोट कर दिया जवाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक विल टेक अनदर ब्रेक, केक को थोड़ा ज़रा 10 मिनट हैं और वी हैव सम टाइम, और मैं चेक कर दूं दूसरे अवन में हमारे जो जैकेट पोटैटोज ट्वाइस बेक पोटैटोज भी उसको कहते हैं वो हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, ऊपर से बस आपने हल्का ब्राउन करना है ताकि चीज़ पिघल जाए। सो विल टेक अ ब्रेक, विल कम बैक सून, ब्रेड निकालेंगे और फिर हम पोटैटोज भी निकाल के रखेंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से हैंडी मीट विंसर, कीमा बना सकते हैं आप घर में साफ सुथरा खुद। जल्दी से 888 पर मुझे बताइए केले से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और 888 पे 8881 इस नंबर पर आप SMS करिएगा अपने फ़ोन से। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड। फिश स्टफ्ड जैकेट पोटैटोज, अज्जा, आलू 4 अदद बड़े, जैतून का तेल हसबे ज़रूरत, फिलिंग के लिए दूध 2 कप, कटा लहसुन 2 चवे, तेज़पत्ता 1 अदद, फिश फिले 300 ग्राम, चॉप्ड पार्सले 3 खाने के चमचे, कद्दूकश चेडर चीज़ 3 खाने के चमचे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिजलिंग के लिए, नमक काली मिर्च हसबे ज़ायका, लेमन वेजेस 1 अदद सर्व करने के लिए। तरकीब, पहले आलुओं को धोकर खुश्क कर लें, फिर उन पर कांटे की मदद से सुराख करें, उसके बाद आलूओं पर जैतून का तेल लगाकर बेकिंग ट्रे में रखें और इन्हें गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 से 60 मिनट बेक कर लें। अब इन्हें निकाल के ठंडा करें। फिलिंग के लिए एक सॉस पैन में दूध, लहसुन, तेज़पत्ता, नमक और काली मिर्च डालकर उबालें, फिर इसमें फ़िश फिले शामिल करके 4 मिनट तक पकाएं। उसके बाद इस मिक्सचर को चूल्हे से हटाकर फ़िश निकालें और दूध का मिक्सचर जग में भर लें। अब आलूओं को लंबाई में काटकर गूदा निकालें और बोल में शामिल कर दें, फिर फ़िश के मिक्सचर को आलूओं में डाल दें। उसके बाद चॉप पार्सले और आधे दूध का मिक्सचर शामिल करके मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को आलूओं के छिलकों में डालकर ऊपर से कद्दूकश चेडर चीज़ शामिल करें, फिर इन्हें बेकिंग ट्रे में रखकर गर्म ओवन में 10 से 15 मिनट बेक कर लें। आखिर में स्टफ्ड बेक्ड पोटैटोज पर एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल छिड़क कर लेमन वेजेस के साथ गर्म गर्म सर्व करें। चॉकलेट बनाना ब्रेड, अज्जा, केले 4 अदद, अंडे 2 अदद, नमकीन मक्खन पिघला हुआ 6 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 3/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, चॉकलेट चिप्स 1 कप। तरकीब, पहले केलों को मैश कर लें, फिर इनमें अंडे और पिघला हुआ नमकीन मक्खन डालकर मिक्स करें, उसके बाद ब्राउन शुगर, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर अच्छी तरह फोल्ड करें, फिर इस पर चॉकलेट चिप्स शामिल करके मिक्स करें और इस बैटर को ग्रीस किए हुए लोफ टिन में डाल दें। उसके बाद इसे गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 50 मिनट बेक करें। अब ब्रेड को ओवन से निकालकर वायर रैक पर रखें और ठंडा कर लें। आखिर में ब्रेड लोफ से निकालकर स्लाइस करें और सर्व कर दें। मज़ेदार चॉकलेट बनाना ब्रेड तैयार है। वेलकम बैक, देखें ये चॉकलेट बनाना ब्रेड गर्मा गर्म निकल चुका है अवन में से, ठीक है डन, और बहुत ही गर्म है। अभी मैंने इसको पेपर वेपर निकाल के उल्टा कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। नाउ ये जो है ऊपर से हल्के हल्के ब्राउन हो गई है चीज़,
आपने इसके ऊपर पार्सली डालनी है और लेमन के साथ सजा के आपने इसको रख देना है। दैट्स इट, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा। अच्छा, विनर है आज शिजा गुजरांवाला से। लज्जत में 5 बजे लाइव चीज़ पकौड़ा बर्गर बनेगा और टिक्का सीख कबाब बघार वाली चटनी। और मैं कल बना रही हूँ बीफ की एक रेसिपी, क्यूब्स बीफ के, बोनलेस बीफ के हंगेरियन गुलाश। एक हंगेरियन रेसिपी है, स्टू है बेसिकली, बहुत अच्छा है, ट्राई करिएगा, देखिएगा। चॉकलेट स्पंज बनाऊंगी कल मैं चॉकलेट सॉस के साथ। तो 3:30 से 4:30 लाइव रहिएगा मसाला टीवी पे। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे मेरा शो लाइव है रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, देखना मत भूलिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इसी के साथ अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।